ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। साक्षी रामलीला मैदान के पास से गुरुवार को एक पल्सर बाइक लावारिस हालत में पाई गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गुरुवार को रामलीला मैदान के पास खड़ी एक लावारिस पल्सर बाइक की सूचना स्थानीय लोगों ने साक्षी पुलिस को दी। काली रंग की बाइक नई है और बाइक के मालिक का पता पुलिस लगा रही है। बाइक को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा है। कहाँ पे था? पास थाना वाला था, ठीक है। थाना वाला हम किसी को नहीं पाए, साक्षी थाना ही करके था, ठीक है। वहाँ पर गया, तो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे हम लोग, बारीडी की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को रुका है, तो पल्सर था, उठा लिया, पूछा बाबू उसमें साक्षी थाना से। जुबली पार्क में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। जुबली पार्क में राजेश्वर एवं सतपाल नामक युवक ने जोगिंदर सिंह नामक युवक को पीटकर घायल कर दिया। घायल जोगिंदर ने कहा कि वो पैसे पाता था जिसे मांगने आया था, मगर उसके साथ मारपीट की गई और पॉकेट से 20,000 रुपए भी छीन लिए गए। उसके साथ मारपीट की, इनसे पैसा लिए थे, 55,000 रुपए दिए थे, मतलब सतपाल सिंह को। तो ये इनको बुलाए गुलमोरी पार्क पास कम्प्रोमाइज करने। इनका पलट से पत्थर से दो जन राजेश्वर सिंह और सुखपाल सिंह ने इनके हमला किया, क्योंकि बेहोश होकर वहाँ पे गिर गए। फिर इनको कोई पानी नहीं डाले, उठ के आए घर तक। उसके बाद हम लोग को कॉल उल किए, इनका गला का चैन था एक तो जो पहनते थे हमेशा, और पैकेट में 20,000 रुपये। दाई गुट्टू की रहने वाली चिंकी पाल ने महुआ चैनल पर चल रही भौजी नंबर 1 प्रतियोगिता के फाइनल में स्थान बनाकर पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। दाई गुट्टू की रहने वाली चिंकी पाल ने महुआ चैनल में चलने वाली मशहूर प्रतियोगिता भौजी नंबर 1 में अपनी प्रतिभा के बूते पहले अंतिम 7 में स्थान बनाया। फिर उन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर रही। चिंकी पाल लोगों से वोट देने का अनुरोध न्यूज टाइम्स के माध्यम से कर रही है। फौजी नंबर 1 प्लस में, महुआ प्लस में, मैं हमेशा मैं उनकी क्या बोलूंगी, रोशन करूंगी फौजी नंबर 1 से, झारखंड की जमशेदपुर से। और फौजी नंबर 1 जो है वो महुआ प्लस की मैं बन के ही रहूंगी। महिलाओं का कितनी भौजी का सिलेक्शन हुआ? 1,000 भौजी का था, लेकिन अभी जो फाइनल में आई है, अभी 1,000 से फिर 100 हुआ, 100 से फिर 12, 12 से 7 में आई हूँ मैं, मुझे लेके 8 हो रही है। झारखंड से मैं अकेली हूँ, 7 की हूँ, और झारखंड से मैं अकेली हूँ, माने टॉप 7 में, टॉप 7 में। लेकिन सबसे ज्यादा सब भौजी में से सबसे ज्यादा नंबर मेरी है, डांस में भी, गाना में भी, पढ़ाई लिखाई क्वेश्चन जो मुझसे पूछी गई थी उससे, खेल में सबसे टॉप मैं ही हूँ। और मुझे वोट की बहुत जरूरत है, मुझे प्लीज सब कोई वोट कीजिए। झुक झुनक बाजे पायल तोरा पहुआ, बड़ा नीक लागे ननद तोरा गुआ, बड़ा नीक लागे ननद तोरा। के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। चूना शाह बाबा के मजार पर गत 50 वर्षों से धुनी चल रही है और भक्त एवं अनुयायी उस धुनी को चमत्कारी मानते हैं। बिष्टुपुर स्थित चूना शाह बाबा के मजार पर दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं। हर धर्म संप्रदाय के लोगों की मजार पर आस्था है। मजार में धुनी जलती रहती है, जिससे उठने वाले धुएं को लोग चमत्कारी बताते हैं। बताया जा रहा है कि धुनी कभी बुझती नहीं और ये 50 वर्षों से भी ज्यादा समय तक जलती आ रही है। खासकर महिलाओं की आस्था धुनी पर है और वे इसके धुएं को ग्रहण कर हर तरह की बीमारियों और रोगों से खुद को मुक्त समझती हैं। शैतान, भूत, प्रेत, जादू, टोना जो भी है वो सब खत्म हो जाता है। 2-3-4 मरतब आना पड़ता है, वो सब खत्म हो जाता है। क्लियर, नेट एंड क्लीन आदमी जाता है यहाँ। जैसे कि वो लोग बैठी हैं 4-5 औरतें, हाँ, क्या कर रही हैं? उनको सब उस पे जादू टोना का असर है।
क्या हुआ था जो आप धोनी पे आए? मेरा पैर टूट गया था और ये ऐसा हो गया था हजारीबाग में काटने का नौबत आ गया था। वहाँ से आए MGM में दवा के और बाबा के धोनी में आए, सहत्याब हो गया, पैर मेरा सही हो गया। कितनी देर में? अरे ये पैर मेरा सही हो गया, क्योंकि ऊपर जो भी शैतानी हरकत होती है लोग आ करके यहाँ पर फरियाद करते हैं सर, और इनके कर्म से इनके दुआ से अच्छे होकर सब जाते हैं यहाँ पे। बस यही सब बात है, कौन से देखते हुए चले आ रहे हैं, धुनी जो जल रहे तो आज तक जल रहे हैं और लोग आते हैं यहाँ पे फरियाद करते हैं, अच्छे होकर जाते हैं, और किसी भी धर्म के चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सब आते हैं यहाँ से फैज पा के जाते हैं सरकार के दुआ से। जर्जर NH की मरम्मति को लेकर झारखंड विकास मोर्चा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। NH-33 की जो दुर्दशा है और पूरे रांची से लेकर बहरागोड़ा तक रोड की जर्जर हालत से लेकर जो आम पब्लिक आम जनता परेशान है और यहाँ की विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ सब चीज़ या चाहे लेके राशन पानी हो जाए, जमशेदपुर की आर्थिक व्यवस्था में जितने भी कच्चे माल की उपलब्धियाँ सब नहीं आ पा रही है, पूरे बहरागोड़ा में आए दिन पेपर में निकल रहा है कि 6 दिन से बहरागोड़ा पूरा NH जाम है, 3 स्टेट को जोड़ने वाली सड़क वहाँ पे ये हाल है कि आज वहाँ के लोग जनता जो जमशेदपुर आना चाहते हैं बीमार हैं उनको भी इलाज के लिए या जो भी जरूरी सामान जो जमशेदपुर को उपलब्ध होती है सब यहाँ नहीं आ रही है। सिद्धगोवा अमल संघ में संचालित स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल का संचालन होता है। सिद्धगोवा अमल संघ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल का संचालन किया जाता है। गुरुवार को वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण भी किया गया। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाल काला मर जाएगी। ये बच्चे लोग का एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था, इसमें बच्चे लोगों ने अपने स्तर पे गाना नृत्य ये सब किया। तो आज हमारे स्कूल अमल संघ पाठशाला इसमें हम लोग बच्चे लोगों के लिए कल्चरल प्रोग्राम रखे थे जिसमें बच्चे लोगों ने अपना प्रतिभा का परिचय दिया। सभी बच्चों ने किसी ने कविता बोला, डांस का प्रोग्राम।